वेलकम बैक माय डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेरी सिंपल वे में एग मंचूरियन किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम घर में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये सिंपल वाला स्नैक्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 5 उबले हुए अंडे, हार्ड बॉयल एग्स है। इसे हम इस तरह से कट करेंगे, हम एहतियात से कट करेंगे ताकि इसका जो एग योक है वो सेपरेट ना हो। बस हम कट करके इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक से नमक ऐड कर लें। साथ में जाएगा 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच मैदा। कॉर्नफ्लोर हम जितना डालेंगे उसका 50% हम मैदा ऐड करेंगे। फिर हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ में चला जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि बस ये जो बैटर है ये कोट अच्छे से अंडे में कोट हो जाए। बस देखिए इस तरह से कोट हो जाए। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब बस हम इसे फ्राई करेंगे। आप वेरी केयरफुल रहें फ्राई करते वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा दूर ही खड़े रहें क्योंकि ये अंडे हैं इसमें ना बॉयल आ जाता है और ये बबल्स भी आने लगते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसे फ्राई करें। और कोशिश कीजिए कि फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही में ही रखें, हाई पे एकदम से ना रखें, वरना ये देखिए झाग जो आ रहा है इसमें तेल उड़ने का चांसेस होता है। जब कभी भी अंडे आप फ्राई करें तो आप बहुत एहतियात से रहें। बस फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल के साइड में रख लेते हैं। दोबारा से पैन मैंने गर्म किया, पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। तेल के बाद हम डालें इसमें 1 चम्मच बारीक कटी लहसुन, थोड़ा सा इसे लाल होने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 बारीक कटा प्याज, साथ ही में डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच डाल देते हैं सोया सॉस, तकरीबन उतना ही हम डालेंगे इसमें विनेगर, केचप डालेंगे 3 बड़े चम्मच, केचप थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे नमक ऐड ना करें क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक अवेलेबल होता है, तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रेड चिली सॉस ऐड किए हुए हैं। अब हम 1 कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़ा सा पानी मिला के उसका घोल बना के हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। बस इसमें हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए अंडे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस चलें देखें कम वक्त में कितना अच्छा टेस्टी स्नैक बनके रेडी है।
ये वेरी बेसिक है, मैंने जो भी घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है बस उसी से मैंने बनाया है। एक्चुअली में ये मेरा एक्सपेरिमेंटल वीडियो था, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था ये वाली रेसिपी, बट इट वॉज डिलीशियस। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैटर को मिक्स करते वक्त एहतियात रहे ताकि एग योक अलग ना हो। आप इसे अपने घर पे एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इनकेस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।